भाइयों नमस्कार। फ्रेंच विद से गन्ना बोने के लिए खड़ा गन्ना बोएं या बड़ा बोएं सिंगल बटन। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो खड़ा गन्ना बोएं, बारिश अगर होगी तो खड़ा गन्ना उसका जमाव बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। और आँख ऊपर की तरफ रखें, एक सेंटीमीटर मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास आना चाहिए। गन्ने में चूँकि हारमोन्स ऊपर की तरफ जाते हैं, आँख से हारमोन जो एप्पल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, जमाव जल्दी होता है, बड़े गन्ने की अपेक्षा एक दो दिन पहले जमाव हो जाता है। दूसरा ये फ़ायदा है, बीज की बचत होती है। कम से कम 1.5 फीट की दूरी पर एक आँख के टुकड़े की बुआई आप करेंगे। बड़ा गन्ना बोने से ये फ़ायदा है कि मिट्टी उस पर आसानी से आ जाती है और गन्ने की जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, खड़े रहने में गन्ने को आसान रहता है। लेकिन अगर पड़े गन्ने में भी सावधानी, जो हमारा खड़ा गन्ना बोते हैं, अगर उसमें सावधानी बरते हैं तो उसको भी आसानी से रोका जा सकता है। खड़े गन्ने में टिल्डिंग ज़्यादा होती है, ब्याज ज़्यादा होती है, जमाव जल्दी होता है। इसके अलावा किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि स्वस्थ गन्ना बोएं। कम से कम जो गन्ना बोएं उसका वज़न 2 किलोग्राम हो और स्वस्थ गन्ना बोएं। नीचे के जो जड़ का गन्ना है उसकी बुआई ना करें, गन्ने के बीज का शोधन अवश्य करें। 2 आँख के गन्ने की बुआई कर सकते हैं और 1 आँख के दोनों तरीके से कर सकते हैं। 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेटा पोटास, 1 बैग यूरिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। बीज का शोधन बेबिस्टीन से कम आधा घंटे के लिए करें। मिट्टी 1 से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा न डालें। अगर नमी कम हो तो नाली के अंदर ही पानी लगा दें, तब गन्ना अच्छा होगा। जब तक 1 मीटर की लंबाई में 18 गन्ने न हो जाएं, तब तक धीरे धीरे मिट्टी ही डालें। और जब 18 गन्ने बन जाएं तो मिट्टी आप चढ़ा दें, बीच में नाली बना दें और जून जुलाई के महीने में फिर से एक बार आप 5 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से म्यूरेटा पोटास का प्रयोग अवश्य करें, जिससे गन्ने में काफ़ी अच्छा वजन बढ़ते हुए देखा गया है और काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा, कम से कम जो जल विलय उर्वरक हैं इनका स्प्रे 3 बार अवश्य किया जाए, 2% का घोल बना करके, तो गन्ना आपका अच्छा बढ़ता है। जल विलय उर्वरक का स्प्रे करने से गन्ने में एक रूपता रहती है। जो टिलर्स बाद में निकलते हैं उन टिलर्स को भी पोषक तत्व मिल जाते हैं। टिलर्स की मोटाई लंबाई मात्र गन्ने की तरीके से हो जाती है, जिससे उत्पादन हमको अच्छा मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी सर ये 15-20 घंटा सभी और निकलेगा, कल ही निकलना है। कल ठंडा निकाले आता मेहमानों को। 15 दिन का
भैया ठंडा काफी जो ऊपर छोटा पड़ता है नौलक का डालते ना इसमें तो ऊपर का काफी भाग जो खत्म कर। साहब यो खड़ी कॉपी सही है बहुत भाया है यो सही है डाउन ये जो आपने पूरी खड़ी लगाई है ये सही है ये डाउन लिटी हुई सही है जब बरसात में लगाना है तो खड़ी वाली लगाओ ताकि अगर पानी वानी बरस जाए तो कोई दिक्कत ना हो अदरवाइज ये वाला ज्यादा सही है खड़ी वाली और इसमें भी जो भी सिंगल पैन डाल दीजिए सिंगल इसलिए हम लोग नहीं कहते बाई चांस अगर पानी वानी बरस गया खराब हो गया तो खराब इतना हो